नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RPSC ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रदेश की दो परीक्षाएं एक साथ होने जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, परीक्षार्थियों के लिए समस्या का विषय है। राजस्थान में एक साथ दो बड़ी परीक्षाएँ, सीकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की कॉलेज परीक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा एक साथ होने से प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। संस्कृत विभाग की परीक्षाएं 17 से 20 फरवरी तक होगी। इसी बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के MED, LLM, PGD, A01 और MIT के पेपर होंगे। परीक्षाओं का समय एक साथ होने से अभ्यर्थियों के सामने चुनौती बढ़ गई है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सी परीक्षा में शामिल हुआ जाए। इधर परीक्षार्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की है। बेरोजगारों का कहना है कि यदि जल्द आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया तो न्यायालय की भी शरण ली जाएगी। विश्वविद्यालय का इस पर तर्क क्या आया है? परीक्षा पहले से निर्धारित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी प्रशासन का तर्क है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा कैलेंडर पहले से निर्धारित था। ये तो दूसरी परीक्षा एजेंसियों को देखना चाहिए कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का कैलेंडर तो नहीं आड़े आ रहा। संस्कृत शिक्षा विभाग की यह परीक्षा पहले जनवरी में होनी थी, आयोग की व्यवस्था के चलते फरवरी में होगी। एक साथ ऐसे होगी परीक्षा। संस्कृत शिक्षा विभाग की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान ग्रुप ए व सामाजिक विज्ञान का पेपर 17 फरवरी को होगा। 18 फरवरी को विज्ञान गणित के साथ विश्वविद्यालय की MED का टीचर एजुकेशन द्वितीय और LLM का पर्सनल लॉ रिलेटिंग टू इंडिया क्रिश्चियन फारसी एंड यहूदी, MIT का ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी तथा PGD A01 अकाउंटिंग यूजिंग टेली का पेपर होगा। 19 फरवरी को सामान्य ज्ञान ग्रुप बी और संस्कृत के साथ विश्वविद्यालय की LLM 1015 लेजिसलेशन प्रिंसिपल 1 MIT डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नया पुराना का पेपर होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।